स्वागत है आप सभी का। हम लोग उत्सर्जी तंत्र के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं और वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिटेल्ड में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो काइंडली फोकस हियर। देखिए, यदि हमको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है तो हमको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को तीन स्टेप्स में पढ़ना पड़ेगा। पहला जो स्टेप है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्पंदन या परानिस्यंदन, या जिसको कि हम गुच्छकीय निस्यंदन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। ये पहली स्टेप है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। दूसरी जो स्टेप है उसका नाम है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसको कि हम बोलते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। और तीसरी जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि नलिकीय स्त्रावण। नाउ सबसे पहले देखिए, हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज परानिस्पंदन या परानिस्यंदन या गुच्छकीय निस्यंदन की क्रिया पढ़ रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि यूरिन फॉर्मेशन में ये प्रथम पद है, ये प्रथम स्टेप है, जो ग्लोमेरुलस द्वारा होती है। जो कि किसके द्वारा होती है? ग्लोमेरुलस के द्वारा। ग्लोमेरुलस तो जानते हैं ना आप कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक रक्त केशिकाओं का गुच्छा है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस। तो यूरिन फॉर्मेशन में ये प्रथम स्टेप है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस द्वारा संपन्न होता है। तभी तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्योंकि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस हो रहा है यहां पर, वो मेनली किसके द्वारा होगा? ग्लोमेरुलस के द्वारा होगा। इसीलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या गुच्छकीय निस्यंदन की क्रिया कहते हैं इसे। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन रीनल कॉर्पोसल। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कहां पर चल रही है? रीनल कॉर्पोसल में चल रही है। रीनल कॉर्पोसल तो सब लोग जानते हैं ना, आपने मेरी क्लास के अंदर आपने पूरा के पूरा जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो पढ़ा होगा। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल इज इक्वल टू रीनल कॉर्पोसल या मालपीचियन बॉडी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरी प्रक्रिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, ये रीनल कॉर्पोसल में चल रही है। नाउ ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन, जिसको हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन या निस्यंदन झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। मतलब जो रक्त का निस्यंदन हो रहा है, रक्त का जो परानिस्यंदन हो रहा है, राइट, वो किसके द्वारा हो रहा है? ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है, जिसको कि हम निस्यंदन झिल्ली या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो कितनी परतीय होती है? तीन परतीय होती है। ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जिसके द्वारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, वो कितनी परतीय है? तीन परतीय है। सबसे पहली जो परत है वो ये गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला। गुच्छ की रक्त केशिका जो होती है, जो पूरा के पूरा जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? बंच ऑफ कैपिलरीज है ना। तो गुच्छ की जो रक्त केशिका की जो आंतरिक उपकला है वह एक परत बनाती है, यानी कि एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल। गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला एक परत है। दूसरी परत क्या है? बोमेन संपुट की उपकला, यानी कि एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। और इन दोनों के बीच में स्थित, इन दोनों परतों के बीच में स्थित आधार झिल्ली, अ बेसमेंट मेम्ब्रेन फाउंड बिटवीन टू लेयर्स, अ बेसमेंट मेम्ब्रेन फाउंड बिटवीन दीज टू लेयर्स। मतलब ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन स्वयं तीन परतों से बनी होती है, जो कि फिल्ट्रेशन में भाग लेती है। पहली जो है वो है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल, दूसरी है एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, और तीसरी है अ बेसमेंट मेम्ब्रेन फाउंड बिटवीन दीज टू लेयर्स, गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला, और इन दोनों परतों के बीच पाए जाने वाली आधार झिल्ली, ठीक है। अब ये सब मिलकर किसमें भाग लेगी? फिल्ट्रेशन में भाग लेगी। बोमेन कैप्सूल की उपकला कोशिकाओं, बोमेन कैप्सूल की, याद रखना, बोमेन कैप्सूल की जो उपकला कोशिकाओं को, बोमेन कैप्सूल की उपकला कोशिकाओं को, यानी कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। वापिस से बोल रहा हूँ, बोमेन कैप्सूल की उपकला कोशिकाओं को, यानी कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन कैप्सूल आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स, या जिसको कि बोलते हैं पदानु या पोडोसाइट्स कहते हैं।
जो विशेष प्रकार से अरेंज्ड रहती है, जो विशेष प्रकार से विन्यासित रहती है, जिसमें कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, अवकाश बीच बीच में रह जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्या रह जाते हैं, बीच बीच में स्पेसेस लेफ्ट रह जाती है, राइट। ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है, ये जो पोडोसाइट सेल्स है वो कुछ इस प्रकार से विन्यासित रहती है कि उनके बीच बीच में छोटे छोटे अवकाश शेष रह जाते हैं, और इन अवकाशों को हम निस्यंदन खांच, राइट, या इनको हम स्लिट पोर्स के नाम से जानते हैं। इन अवकाशों को जो कि किसके बीच बीच में, पोडोसाइट सेल्स के बीच बीच में रह जाती है, इन्हें हम स्लिट पोर्स के नाम से जानते हैं, खांच छिद्र या निस्यंदन खांच के नाम से जानते हैं। और इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है, इन झिल्लियों से, ये जो झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों से रक्त इतनी अच्छी तरीके से छिनता है, जिससे रुधिर के प्लाज्मा के प्रोटीन्स को छोड़कर, रुधिर का जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो प्रोटीन्स है उसको छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छिनकर संपुट की गुहा में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। मतलब ब्लड इतना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों का है, इतना फाइनली, इतना महीन तरीके से छनता है कि सारा का सारा ब्लड छनकर नीचे आ जाता है, प्लाज्मा का जितना भी भाग है वो सब छनकर नीचे आ जाता है, केवल किसको छोड़कर, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स है उनको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उनकी साइज बड़ी है और स्लिट पोर्स जो है वो क्या है, छोटे है, उनके द्वारा प्रोटीन तो छनकर नीचे नहीं आ सकते, बाकी सब छनकर, प्लाज्मा का शेष भाग छनकर और बोमेन संपुट की जो गुहा है उसमें क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ब्लड इतना फाइनली छना है, इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं, परानिस्पंदन, या इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब सुनना, वह प्लाज्मा द्रव्य जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर हो जाता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो जो ऊपर से छनकर आया है ना, उस लिक्विड को हम क्या करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो वह प्लाज्मा द्रव्य जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर होकर छनकर नीचे आ जाता है बोमेन कैप्सूल के अंदर, क्या कहा मैंने, वह प्लाज्मा द्रव्य जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से छनकर फिल्टर होकर नीचे आ जाता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज प्रोटीनलेस प्लाज्मा, जो ऊपर से छनकर आया है उसमें प्रोटीन तो नहीं थे ना, तो इट इज प्रोटीनलेस प्लाज्मा। तो हमेशा याद रखो, जो फिल्टर्ड होकर नीचे आया है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है, वो वास्तव में ब्लड प्लाज्मा ही है, लेकिन उसमें से प्रोटीन को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्लियर। अब एक बहुत खास चीज आ रही है, वो समझने की कोशिश करना। रक्तों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का क्या किया जाता है, निस्यंदन किया जाता है। याद रखना, वृक्कों द्वारा, दोनों वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट ऑन एन एवरेज औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। यानी कि कितना रक्त जो है वो दोनों वृक्कों से प्रति मिनट औसतन छन रहा है, वो कितना है, रीनल ब्लड फ्लो है। ये क्या है, रीनल ब्लड फ्लो है। मतलब वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का क्या किया जाता है, निस्यंदन किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल मतलब किडनी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रीनल ब्लड फ्लो कहते हैं। औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है प्रति मिनट, वो क्या हो गया, रीनल ब्लड फ्लो, जो कि हृदय द्वारा एक मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5 भाग के क्या होता, बराबर होता है। जो कि हृदय द्वारा एक मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5 भाग के क्या होता है, बराबर। अब ये जो रक्त है वो पूरा के पूरा छनकर नीचे नहीं आया, मैंने क्या कहा, 1100 से 1200 ml रक्त जो है वो फिल्टर होने की कोशिश कर रहा है। अब इस रक्त का 1100 से 1200 ml रक्त का 650 ml रक्त जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एक बात बताओ, पूरा तो रक्त नहीं छनता है ना, रक्त जो ऊपर से आया क्या पूरा छन गया है क्या, नहीं, उसमें से केवल प्लाज्मा भाग ही तो छनकर नीचे आएगा, राइट, क्योंकि ऊपर जो प्लाज्मा, जो प्रोटीन भाग है वो तो कहां पर रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो जो कि अब यहां पर देखो, इस रक्त का 650 ml रक्त प्लाज्मा होता है, इस रक्त का कितना, 1100 से 1200 ml रक्त का जो 650 ml रक्त जो है वो प्लाज्मा होता है। आपको मालूम है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, डेट इज 55%, और बाकी सब तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह होती है, ठीक है। तो इस रक्त का 650 ml भाग तो क्या है, रक्त प्लाज्मा है, जो किडनी से प्रति मिनट क्या होता है, प्रवाहित होता है, जो किडनी से प्रति मिनट क्या होगा, प्रवाहित होगा। इस 600
50 ml ब्लड को, इस 650 ml ब्लड को 1100 से 1200 ml ब्लड में से जो प्लाज्मा का भाग है वो 650 ml है, और ये जो 650 ml ब्लड है इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो ये देखो कहीं रटने की कोई जरूरत ही नहीं, वो है रीनल ब्लड फ्लो। किडनी में कितना, किडनी में रक्तों द्वारा प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्सेंदित हुआ, तो वो क्या रीनल ब्लड फ्लो है। लेकिन इनमें से कितना परसेंट प्लाज्मा का फ्लो हुआ, तो प्लाज्मा का फ्लो जो है वो 1100 से 1200 ml नहीं है, प्लाज्मा का जो फ्लो है वो तो केवल कितना है 650 ml के करीब, जो कि 1100 से 1200 ml का 55% है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, समझ पा रहे हो ना, ये कितना है 55% के करीब है। इस 650 ml ब्लड को हमने क्या कहा, रीनल प्लाज्मा फ्लो का है। अब इस रीनल प्लाज्मा फ्लो का 650 ml का लगभग 20%, इस 650 ml के ब्लड का लगभग कितना 20% ब्लड प्लाज्मा दोनों किडनीज के नेफ्रॉन्स द्वारा प्रति मिनट फिल्टर होता है। मतलब अब इस प्लाज्मा का भी कितना दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स द्वारा, इस प्लाज्मा का मतलब 650 ml जो ये रीनल प्लाज्मा फ्लो है इसका लगभग 20%। तो 650 ml का 20% क्या हुआ, लगभग 120 ml, यानी कि 120 से 125 ml, तो लगभग 20% ब्लड प्लाज्मा दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स द्वारा प्रति मिनट क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। और ये लगभग कितना होता है, 125 ml होता है, ये क्या होता है लगभग 125 ml होता है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, गुच्छकीय निस्यंदन दर कहते हैं, यानी कि ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों किडनी से प्रति मिनट जो रक्त फिल्टर हुआ है, अल्टीमेटली जो रक्त फिल्टर हुआ है वो कितना ml है, 125 ml है, और इसको हम गुच्छकीय निस्यंदन दर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। तो तीनों में चीज याद होनी चाहिए, रीनल ब्लड फ्लो कितना था 1100 से 1200 ml था, उसमें से प्लाज्मा फ्लो जो था रीनल प्लाज्मा फ्लो वो कितना था 650 ml, 650 ml का भी 20%, यानी कि 150 ml जो है वो, यानी कि 20% लगभग जो है ब्लड प्लाज्मा वो दोनों किडनी से प्रति मिनट जो है वो क्या हुआ है, निस्यंदित हुआ है, फिल्टर हुआ है। और ये जो 125 ml है इसी को हम क्या कह रहे हैं, गुच्छकीय निस्यंदन दर कहते हैं, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR कहते हैं। ठीक है, अब अपने ये पढ़ते हैं कि GFR को जो है वो और कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। अब देखो GFR जो है वो पर डे कितनी होती है, ये भी आइडिया होना चाहिए। पर मिनट तो हमने निकाल लिया, पर मिनट GFR कितनी थी 125 ml पर मिनट, लेकिन GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रतिदिन कितनी होगी, तो वो 180 लीटर प्रतिदिन, 180 लीटर फिक्स नहीं होता है, ऑन एन एवरेज इट मे बी 172 लीटर्स पर डे, लेकिन मैक्सिमम 180 लीटर्स पर डे हो सकता है। अब हमको एक फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालना है, FF फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी निकालना है। GFR कितनी थी 125 ml पर मिनट, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मतलब रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना था 650 ml था, उसमें से क्षणित कितना हुआ, रीनल प्लाज्मा फ्लो में से भी दोनों किडनीज के द्वारा प्रति मिनट, दोनों किडनीज के अंदर स्थित नेफ्रॉन्स के द्वारा प्रति मिनट कितना हुआ 125 ml, मतलब 650 ml में से 125 ml ब्लड जो है वो क्या हुआ है, छना था। तो फिल्ट्रेशन का फ्रैक्शन क्या हो गया, GFR अपॉन RPF क्या था, रीनल प्लाज्मा फ्लो। GFR क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रति मिनट कितनी थी 125 ml, और रीनल प्लाज्मा फ्लो प्रति मिनट कितना था 650 ml पर मिनट, तो ये कितना आएगा 1/5 के करीब। अच्छा अब ध्यान से सुनो, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, याद रखना इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिससे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ये स्वयं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी 3 दाब के द्वारा निर्धारित होता है। इट इज डिटरमाइंड बाय एटलीस्ट 3 प्रेशर्स। ये ध्यान से सुनना क्योंकि NCERT के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ये जो है शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब जो है वो निकालने के लिए आपको 3 दाब पढ़ने पड़ेंगे। पहला दाब जो है वो कौन सा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GHP। ये देखिएगा ध्यान से सुना, इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर फिल्ट्रेशन एंड अफेक्ट्स द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर।
यानी कि तीनों प्रेशर्स में से सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई प्रेशर है फिल्ट्रेशन के लिए तो वो कौन है, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को प्रभावित करेगा। अब ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आखिर डेवलप किसने किया, तो वास्तव में क्या यह दाब अभिवाही और अपवाही धमनी का के व्यास के अंतर के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आप ये तो जानते हो कि मोमेंट सपोर्ट के से संबंधित तो दो धमनिकाएं थी, एक एफरेंट और एक इफरेंट, एक आने वाली और एक जाने वाली, एफरेंट आर्टियोल एंड इफरेंट आर्टियोल, अभिवाही और अपवाही धमनिका। आप सब जानते हो अभिवाही धमनिका का व्यास क्या था, ज्यादा था, अपवाही धमनिका का व्यास क्या था, कम था, ताकि जितना ब्लड आ रहा है उतना जाए नहीं, जितना ब्लड आ रहा है उतना जाए नहीं, तो ब्लड थोड़ी देर के लिए रुकेगा, रुकेगा तो क्या होगा, दाब बनेगा, दाब बनेगा तो फिल्ट्रेशन होगा। तो यह दाब जो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यह दाब अभिवाही व अपवाही धमनिका के व्यास के अंतर के फलस्वरूप क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और जीएचपी जो है वो लगभग कितना होता है, 60 से 75 mmHg के बीच, फिक्स नहीं होता है, 60 से 75 mmHg के करीब होता है। अब दूसरा आता है, दूसरा प्रेशर जो कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिससे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसको प्रभावित कर सकता है, वो होता है बीसीओपी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड इन ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या कहा है मैंने, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, कहा ना ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, है ना, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड इन द ब्लड ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। मतलब कि ये हुआ कि ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि किसमें क्रिएट होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के ब्लड में ये क्या होता है, ये प्रेशर क्रिएट होता है, और किसके कारण क्रिएट होता है बेटा, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण क्या होता है, ये क्रिएट होता है, और ये कैपिलरीज से ब्लड के फिल्ट्रेशन को रोकता है, और ये जो कैपिलरीज से जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है उसको रोकने का काम करेगा। मतलब ये वाला प्रेशर, तो ये जो था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये तो लगेगा नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ लगने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, 60 टू 75 mmHg। इस प्रेशर को रोकने का जो काम है वो कौन करेगा, बीसीओपी, और बीसीओपी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण क्रिएट हुआ है, जो ब्लड है राइट, उसके अंदर क्रिएटेड इन ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर केशिकाएं जो है उनके अंदर जो रक्त है राइट, उनके अंदर ये प्रेशर क्रिएट हुआ है, और किसके कारण क्रिएट हुआ है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण क्रिएट हुआ है, और ये कैपिलरीज से ब्लड के फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये कितना है, 30 से 32 mmHg के करीब है। अब एक और होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं सीएचपी। इट इज द प्रेशर कॉज्ड बाय फिल्ट्रेट दैट रीचेस द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर पहुंचने वाले फिल्ट्रेट के द्वारा जो प्रेशर उत्पन्न होता है, वापस से बोल रहा हूँ, बोमेन कैप्सूल के अंदर पहुंचने वाले फिल्ट्रेट से जो प्रेशर लगता है वह सीएचपी होता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, और ये भी क्या करता है, फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करता है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगने की कोशिश करता है। तो ये देखो, ये भी फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, और सीएचपी जो है वो कितना है, 18 mmHg है। तो ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है जो कि कितना है, 60 से 75 mmHg है। बीसीओपी जो ऊपर की तरफ लग रहा है फिल्ट्रेशन को रोक रहा है वो 30 से 32 mmHg के करीब है, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो भी अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो कितना है, 80 mmHg के करीब है। तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हुआ, इन तीनों का जो है वो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू जीएचपी माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी। क्यों, क्योंकि बीसीओपी और सीएचपी तो अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, फिल्ट्रेशन को रोक रहे हैं, तो इसमें से जीएचपी में से वो चीज क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। मतलब पूरा के पूरा जो है 60 से 75 mmHg प्रेशर जो है वो ब्लड को नीचे लाने के लिए नहीं लगेगा, उसमें से आपको इन दोनों प्रेशर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू जीएचपी माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जीएचपी की मान लीजिए एक बार के लिए मैंने 60 रखी, 65 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 60 रखी, माइनस ये माइनस बीसीओपी कितना है, 32 mmHg, प्लस सीएचपी कितना है, 80 mmHg, 32 प्लस 18 50, ये कितना है, 60, 60 माइनस 50 तो कितना हुआ, 10।
अब यहाँ पर यदि मैं वैल्यू कितनी रखता, 75 रखता जीएचपी की, तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकलती, 25 निकलती, इसलिए लिखा है 10 to 25 mm Hg। तो ये हो गया नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो ये नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर नहीं है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, 10 to 25 mm Hg। नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नियमन के लिए अब समझना, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट राइट, ये जो गुच्छकीय निस्यंदन दर है, इसके नियमन के लिए हमारे वृक्कों द्वारा एक विधि अपनाई जाती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने के लिए हमारे वृक्कों के द्वारा एक विधि अपनाई जाती है, और यह किसके द्वारा संपन्न होती है, यह जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जेजीए यानी कि गुच्छकीय आसन उपकरण, गुच्छकीय आसन उपकरण या जेजीए द्वारा संपन्न होती है। तो बताओ हमारी बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नियमन के लिए वृक्कों ने एक विशेष विधि अपनाई, और वो किसके द्वारा संपन्न हो रही है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा संपन्न हो रही है, जिसको गुच्छकीय आसन उपकरण कहते हैं। जीजीए एक विशेष संवेदी उपकरण है, इट इज अ वेरी सेंसिटिव एपरेटस। जीजीए एक विशेष संवेदी उपकरण है जो अभिवाही व अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर, याद रखना, अभिवाही और अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर दूरस्थ कुंडित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। वापस से बोल रहा हूँ, जीजीए एपरेटस कैसे बना, जीजीए एक विशेष प्रकार की संवेदी उपकरण है जो अभिवाही और अपवाही धमनिका के, अभिवाही और अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की कोशिकाओं के रूपांतरण से क्या है, ये बना है। अब कैसे काम करता है, अ फॉल इन जीएफआर, जैसे ही जीएफआर गिरती है, जैसे ही शरीर के अंदर जीएफआर गिरती है राइट, तो इस जीजीए एपरेटस की जो जीजी सेल्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जीजी सेल्स, जीजीए एपरेटस के अंदर जीजी सेल्स होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है। तो जैसे ही जीएफआर शरीर के अंदर गिरती है, तो जो ग्लोमेरुलर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की जो जीजी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, और क्या कर देती है, रेनिन को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। जैसे रेनिन रिलीज होगा, तो रेनिन जो है वो स्टिमुलेट कर देगा, प्रेरित कर देगा किसको, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को क्या कर देगा, प्रेरित कर देगा, और इस कारण से जीएफआर विल बी बैक टू द नॉर्मल राइट। तो बताओ ये क्या है? पहले तो फॉल हुई ना, जैसे ही फॉल हुई तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की जो जीजी सेल्स होगी वो एक्टिवेटेड हो जाएगी, और वो रेनिन को क्या करेगी, रिलीज करेगी। रेनिन जो है वो स्टिमुलेट कर देगा राइट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो जीएफआर के अंदर गिरावट आई थी वो वापस से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इट विल बी बैक टू नॉर्मल, इट विल बी बैक टू नॉर्मल। तो इस प्रकार से ये जो है वो तो क्या था, दैट वाज ऑल अबाउट द सबसे पहला जो हमने सेक्शन पढ़ा, जिसका की नाम क्या था, दैट वाज नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आगे के जो दो चीजें हैं उनको भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, एक तो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक तो अभी है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी कि चयनात्मक पुनः अवशोषण, और दूसरा जो है वो कौन सा है, ट्यूबुलर सेक्रेशन यानी कि नली के स्रावन। तो आइए अब इनको भी हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए मूत्र निर्माण की क्रिया विधि में मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर दूसरी एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आ रही है, चयनात्मक पुनः अवशोषण, मतलब कि फिल्ट्रेशन होने के बाद में अब क्या होगा, चयनात्मक पुनः अवशोषण। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ऊपर से जो छनकर फ्लूड आ रहा है, जो प्लाज्मा ऊपर से छनकर आया है, उसमें प्रोटीन को अलग हटा दीजिए तो बाकी तो पूरा के पूरा जो कंपोजिशन है प्लाज्मा का वो एग्जैक्टली यू के यू नीचे आ गया। अब दिक्कत यह है कि जो ऊपर से छनित छनकर नीचे आया है, जो निस्यंद ऊपर से आया है, उसमें वेस्ट के साथ में बहुत सारी यूजफुल चीजें भी है। जो ऊपर से छनकर चीज आई है उसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है जिनको कि हमें बाहर निकालना है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को तो हम लोग इस तरीके से नेफ्रॉन्स के थ्रू होते हुए क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन इस जो ऊपर से छनकर लिक्विड आया है उसमें बहुत सारी काम की चीजें भी है, जैसे कि बाइकार्बोनेट, जैसे कि सोडियम आयन, जैसे कि क्लोराइड आयन, जैसे कि पोटेशियम आयन, कई सारे पोषक पदार्थ ओके, और साथ के साथ जो है वाटर राइट, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से छनकर नीचे आ गई है। यदि ये सारी चीजें सोचो जरा कि यहां से फाइनल यूरिन जब निकलेगा बाहर, उसके साथ में यदि इन सब चीजों का पुनः अवशोषण नहीं होता, तो
तो ये सारी चीजें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाती। तो सोचो जरा कि ये जितनी जो चीजें हैं इनका बॉडी को क्या हो सकता था, भारी नुकसान हो सकता था। इसीलिए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में जो दूसरा चरण है वो है चयनात्मक पुनः अवशोषण, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से चयन करके और यूजफुल सब्सटेंसेस को क्या कर लेना, पुनः अवशोषित कर लेना, ही चयनात्मक पुनः अवशोषण है। तो देखो इधर, अब चयनात्मक पुनः अवशोषण क्या है, कितनी मात्रा में होता है वो देखिए। आपने अभी जस्ट मैंने अभी पढ़ाया था कि प्रतिदिन 180 लीटर जो है वो निस्यंद जो है वो बनता है, मतलब पास होता है किससे, 180 लीटर्स ऑफ ब्लड पासेस थ्रू बोथ द किडनीज पर डे। तो प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन, प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन मतलब प्रतिदिन बनने वाले फिल्ट्रेट के आयतन कितना है, 180 लीटर्स पर डे है। कि प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन की उत्सर्जित मूत्र से तुलना की जाए, यदि प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन की यदि हम उत्सर्जित मूत्र से तुलना करें तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा है, प्रतिदिन जो है वो मूत्र कितना निकलता है, प्रतिदिन यदि मैं देखूं तो मूत्र की उत्सर्जित मात्रा जो है 1.5 लीटर पर डे, ये कम ज्यादा हो सकती है, राइट, इट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन की उत्सर्जित मूत्र से यदि तुलना की जाए तो उत्सर्जित मूत्र कितना, 1.5 लीटर पर डे, और पर डे जो निस्यंद का आयतन बन रहा है वो कितना, 180 लीटर पर डे। तो 99% निस्यंद को जो वृक्क नलिकाएं हैं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जो नेफ्रोन होता है उसके अलग अलग पार्ट्स उसको क्या कर लेते हैं, पुनः अवशोषित कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, पुनः अवशोषण या चयनात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। अच्छा, यह कार्य जो है वो वृक्क नलिका की जो उपकला कोशिकाएं होती है, यह कार्य वृक्क नलिका जो होती है यानी कि जो रीनल ट्यूबुल होती है, नेफ्रोन जो होता है उसकी उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में, जैसे कि आप जानते हो कि नेफ्रोन के अलग अलग खंड होते हैं, ये वाला जो खंड है वो क्या है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये वाला जो भाग है वो क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये तो है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये जैसे क्या है संग्राहक नलिका यानी कि कलेक्टिंग ट्यूबुल है, और ये क्या है यू शेप में जो दिख रहा है, ये हेनलीज लूप है, ये हेनली लूप की क्या है अवरोही भुजा है, ये हेनली लूप की क्या है आरोही भुजा है। तो अलग अलग खंडों के अंदर क्या होगा, ये जो पुनः अवशोषण हो रहा है वो सक्रिय परिवहन या निष्क्रिय परिवहन द्वारा होता है, यानी कि जो पुनः अवशोषण की क्रिया है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा या पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होती है। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी के मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, जिससे कि नीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था, जैसे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड्स सोडियम आयन्स एक्सेट्रा, राइट, इनका जो फिल्ट्रेट से पुनः अवशोषण होता है, वो सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। आर यू गेटिंग, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, सोडियम आयन्स का जो निस्यंद से पुनः अवशोषण हो रहा है वो सक्रिय विधि के द्वारा हो रहा है, और नाइट्रोजन अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन जो वेस्ट होते हैं उनका पुनः अवशोषण, नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो होते हैं उनका पुनः अवशोषण किसके द्वारा होता है, निष्क्रिय क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन अवशिष्ट का पुनः अवशोषण, नाइट्रोजन अवशिष्ट का पुनः अवशोषण किसके द्वारा होता है, निष्क्रिय क्रिया से होता है। अच्छा, एक और चीज, नेफ्रोन के प्रारंभिक भाग में इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रोन में जो जल का पुनः अवशोषण हो रहा है, ये जो इनिशियल पार्ट्स हैं यहाँ पर जल का जो पुनः अवशोषण हो रहा है ये भी किस विधि के द्वारा हो रहा है, निष्क्रिय विधि के द्वारा हो रहा है। तो ये जो एनसीईआरटी का सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर मैंने देखा है अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। अब नेफ्रोन के अलग अलग भागों में लेट्स सी हियर कि कौन कौन से भाग में क्या क्या पुनः अवशोषण होता है, एक छोटा सा एक लुक लेते हैं कि पीसीटी में किस किस चीज का पुनः अवशोषण होता है, हेनलीज लूप की अवरोही भुजा में किसका अवशोषण हो रहा है, हेनली लूप की आरोही भुजा में किस चीज का अवशोषण हो रहा है, दूरस्थ कुंडलित नलिका जो डीसीटी उसमें किसका पुनः अवशोषण हो रहा है, और संग्राहक नलिका में किसका पुनः अवशोषण हो रहा है वो अपने को देखना है। सबसे पहले पीसीटी में पुनः अवशोषण। अच्छा, एक चीज याद रखो, ये जो नलिका है पीसीटी नलिका, मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि सरल घनाकार है ना, सिंपल क्यूबॉइडल सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला
से क्या होती है, बनी होती है। ये जो नलिका है पीसीटी, इसको घेरे हुए कौन है, सरल घनाकार ब्रश पाउडर उपकला, ये इससे बनी हुई है। और ये जो उपकला है, जो ब्रश पाउडर उपकला है, ब्रश पाउडर है तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, माइक्रोविलाइज होंगे। और आप जानते हो कि माइक्रोविलाई जहां पर भी होंगे, सूक्ष्मांकुर जहां पर भी होंगे, वो पुनः अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि सतह क्षेत्र को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और इस भाग में, पीसीटी के इस भाग में आप देख सकते हो कि लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों का पुनः अवशोषण हो जाता है, लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों का पुनः अवशोषण हो जाता है। 70-80% जो विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका पुनः अवशोषण हो जाता है। 70-80% जल का भी पुनः अवशोषण यहाँ पर हो जाता है। साथ के साथ क्लोराइड आयन का जो पुनः अवशोषण हो रहा है, क्लोराइड आयन का पुनः अवशोषण वो तो किस विधि के द्वारा हो रहा है, निष्क्रिय विधि के द्वारा हो रहा है। जल का पुनः अवशोषण, जल का जो पुनः अवशोषण यहाँ पर हुआ है, ये भी निष्क्रिय विधि के द्वारा हुआ है। इस भाग में 100% ग्लूकोज का क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। साथ के साथ लगभग 75% से भी ज्यादा मात्रा के अंदर अमीनो एसिड्स का भी पुनः अवशोषण हो जाता है। इस भाग में वाइटामिन सी, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन का भी क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। और यूं मैं कह सकता हूं कि पीसीटी नेफ्रॉन का वह भाग है जिसमें पुनः अवशोषण सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ऐसा माना जाता है कि पुनः अवशोषण का लगभग 65% से, पुनः अवशोषण का लगभग 65% से 80% जो भाग है पुनः अवशोषण, वो कहां पर हो रहा है, पीसीटी के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, अवरोही भुजा के ऊपर, ये या यूं मैं कह सकता हूँ पहले, सबसे पहले हेनरीज लूप के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर कि हम लोग अवरोही भुजा को भी डिस्कस करेंगे और आरोही भुजा को भी डिस्कस करेंगे। राइट, याद रखना हेनरीज लूप का वलकुट में स्थित भाग जो है वो थोड़ा सा मोटा है, और मध्यांश के अंदर, मध्यांश के ये जो लाइन के नीचे का जो हिस्सा है वो मेड्यूला है, उसके नीचे का यदि भाग देखेंगे तो कैसा है, सकड़ा है। फिर हेनरीज लूप का जो ये आरोही भुजा का जो निचला खंड है वो पतला है, और आरोही भुजा का ऊपरी खंड जो है वो कैसा है, मोटा है। राइट, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि हेनरीज लूप के अंदर पुनः अवशोषण कैसे होता है। तो इस भाग में न्यूनतम पुनः अवशोषण होता है, इस भाग में क्या होता है भाई, न्यूनतम पुनः अवशोषण, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। यदि कोई पूछे, नीट वगैरह के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूनतम पुनः अवशोषण कहां पर होता है, तो याद रखना न्यूनतम पुनः अवशोषण हेनरीज के लूप में होता है। ठीक है, अब अपने ये देखते हैं कि हेनरीज लूप के अवरोही भुजा में और आरोही भुजा में क्या क्या चीज का अवशोषण होता है। अब देखिए, हेनरीज लूप की दो भुजा आपको दिख रही है, ये अवरोही और ये आरोही। अवरोही भुजा जो है वो जल के लिए तो पारगम्य है, और NaCl यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपारगम्य है, और ये जो आरोही भुजा है ये NaCl के लिए तो क्या है, पारगम्य, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो पारगम्य है, लेकिन जल के लिए क्या है, अपारगम्य है। मतलब इस भाग से तो जल का पुनः अवशोषण होगा और इस भाग से NaCl यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का पुनः अवशोषण होगा। तो लेकिन ये बात होता है कि हेनरीज लूप में मिनिमम क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। तो हेनरीज लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। आरोही भुजा मतलब ये वाली इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जल के लिए तो क्या है, अपारगम्य है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्यों के लिए, विद्युत अपघट्यों के लिए क्या है, ये पारगम्य है। ठीक है, तो आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण यहां पर होता है, और वो भी निष्क्रिय या सक्रिय विधि द्वारा हो सकता है, निष्क्रिय या सक्रिय विधि के द्वारा हो सकता है। तो मैंने पीसीटी के अंदर पुनः अवशोषण कैसे हो रहा है वो पढ़ा दिया, और हेनरीज लूप के अंदर पुनः अवशोषण कैसे हो रहा है वो भी पढ़ा दिया। अब आ जाते हैं कि डीसीटी के अंदर और संग्राहक नलिका के अंदर पुनः अवशोषण कैसे हो रहा है। तो डीसीटी में पुनः अवशोषण कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहां पर क्या कहा मैंने, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यहां पर। मतलब विशिष्ट परिस्थितियों में यहां पर सोडियम आयन्स का और जल का पुनः अवशोषण हो सकता है। राइट, और इस भाग से बाइकार्बोनेट भी पुनः अवशोषण होता है। थोड़ा बहुत ये देखा गया कि क्लोराइड आयन्स का भी पुनः अवशोषण निष्क्रिय विधि यानी कि डिफ्यूजन आदि के द्वारा भी यहां पर हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में ये देखो कि संग्राहक नलिका जो है कलेक्टिंग डक्ट, इस भाग में जल का बड़ा हिस्सा अवशोषित किया जाता है। जल का जो बड़ा हिस्सा है वो क्या होता है, पुनः अवशोषित किया जा सकता है। क्लियर,
तो ये जो थी वो अपनी मूत्र निर्माण की या क्रियाविधि की दूसरी स्टेप थी, यानी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा हमने इतनी सारी चीजों को क्या कर लिया, पुनः अवशोषित कर लिया। यदि ये पुनः अवशोषित ना होती तो फाइनल यूरिन के साथ में बॉडी के बाहर चली जाती। अब आ जाते हैं ट्यूबलेट सेक्रेशन, नलिकी स्त्रावण। ये बहुत खास है, नलिकी स्त्रावण मूत्र निर्माण के दौरान, ध्यान से सुनना, मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं यानी कि ट्यूबलेट सेल्स, नलिकाकार कोशिकाएं जो है वो निस्यंग में H+ आयन, K+ आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्त्रावित करती है, अवशोषित नहीं करती है, और ट्यूबलेट सेल्स फिल्ट्रेट के अंदर डालती है। आर यू गेटिंग? ये देखो, ये सब्सटेंसेस तो पुनः अवशोषित हो रहे हैं, लेकिन ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं, राइट, यहां पर आप देख सकते हो ये क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं। ट्यूबलेट सिक्रीशन मतलब ये फिल्ट्रेट के अंदर डाले जा रहे हैं, फिल्ट्रेट से लिए नहीं जा रहे, फिल्ट्रेट के अंदर डाले जा रहे हैं। इज इट क्लियर? देखो एरोज कहां पर जा रहे हैं, फिल्ट्रेट के अंदर डाले जा रहे हैं, फिल्ट्रेट के अंदर डाले जा रहे हैं। तो मूत्र निर्माण के दौरान जो नेफ्रोन की नलिकाकार कोशिकाएं हैं वो निस्पंद में या निस्यंद में H+ आयन, K+ आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्त्रावित करती है, सिक्रीट करती है, ठीक है। यह भी मूत्र निर्माण की महत्वपूर्ण चरण, यह भी मूत्र निर्माण का महत्वपूर्ण चरण, क्योंकि यह क्या करता है, शारीरिक तरल यानी कि बॉडी फ्लूइड्स, आयंस व अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस जो रेगुलेशन है, बैलेंस है, उसको ये बनाए रखता है। ये जो ट्यूबलर सिक्रीशन है वो मूत्र निर्माण के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये शारीरिक तरल, बॉडी फ्लूइड्स, आयंस और एसिड बेस बैलेंस जो होता है उसको ये क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, वास्तव में ट्यूबलर सिक्रीशन है क्या। मैं यूं कहूंगा कि ट्यूबलर सिक्रीशन को मैं ट्यूबलर एक्सक्रीशन भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को, इस विधि के द्वारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को ब्लड से फिल्ट्रेट में डाला जाता है, ब्लड से फिल्ट्रेट में डाला जाता है, फिल्ट्रेट से लिया नहीं जाता है, ब्लड से फिल्ट्रेट में डाला जाता है। कैसे डाला जाता है? अच्छा, एक चीज बता दूं, आपने मेरी क्लासेस में नेफ्रोन्स की स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, नहीं देखा है तो वीडियो में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में दे रखा है। नेफ्रोन के चारों तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का झाल होता है, ये तो जानते हो, नेफ्रोन के चारों तरफ परिनलिकीय केशिका झालक का झाल होता है। तो उससे सब्सटेंसेस को लेकर और किस में डाला जाता है, फिल्ट्रेट के अंदर डाला जाता है। तो देखो, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण के दौरान एपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूबुल यानी कि रीनल ट्यूबुल की, रीनल ट्यूबुल बोले तो नेफ्रोन की जो उपकला कोशिकाएं होती है वो दे सेक्रेट एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इनटू द फिल्ट्रेट। मतलब सीधी सी बात है, ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है या जो ट्यूबुलर उत्सर्जन है वो क्या है कि मूत्र निर्माण की क्रिया के दौरान जो नेफ्रोन की एपिथेलियल सेल्स होती है वो कुछ उत्सर्जित पदार्थों को परिनलिकीय केशिका झलक के अंदर पाए जाने वाले रक्त से लेती है और उनको किसमें डाल देती है, फिल्ट्रेट के अंदर, निस्यंद के अंदर डाल देती है। इस क्रिया को हम ट्यूबलर सिक्रीशन या क्या कह देते हैं, ट्यूबलर एक्सक्रीशन कह देते हैं। और याद रखना कि ट्यूबलर सिक्रीशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर नेफ्रोन का पीसीटी भाग, डीसीटी भाग और संग्रही नलिका वाला जो भाग है वो मुख्य रूप से भाग लेता है। अब अपने देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं और किस तरीके से पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबल जो है वो ट्यूबलर सेक्रेशन के अंदर भाग लेती है। अब पीसीटी जो है वो किस किस चीज का नलिकीय स्त्रावण कर रहा है, किस किस चीज का उत्सर्जन कर रहा है वो देखिए। शारीरिक तरलों के पीएच यानी कि बॉडी फ्लूइड्स के जो पीएच है तथा आयन संतुलन को बनाए रखने के लिए, आयन संतुलन को बनाए रखने के लिए H+ अमोनिया और K+ आयनों का निस्यंद में स्त्रावण करती है। मतलब पीसीटी की जो नलिकाकार कोशिकाएं हैं वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से यानी कि उसके अंदर स्थित ब्लड से लेकर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस को लेकर और किस में डाल देगी, दैट इज फिल्ट्रेट के अंदर डाल देगी, यहां पर फिल्ट्रेट के अंदर डाल देगी, क्लियर। और इसके कारण जो शारीरिक तरलों का जो पीएच है और आयन जो संतुलन है वो बने रहेगा। डीसीटी के अंदर क्या होगा, यहां पर डीसीटी में, तो अच्छा एक और चीज बताना चाहता हूं, पीसीटी में न केवल एच प्लस, एनएच थ्री और के प्लस आयनों का निस्यंद में स्थावन होता है अपितु यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स है, यूरिक एसिड है, राइट, क्रिएटिनाइन है,
इन सब का भी निस्यंद में स्त्रावण होता है। ठीक है, डीसीटी में क्या होता है, रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन, याद रखना, रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए, रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन और पीएच बनाए रखने के लिए जो डीसीटी है वो भी एच प्लस आयन, के प्लस आयन और अमोनिया का चयनात्मक स्त्रवण करती है किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर। और तीसरा भाग, ये भी मैंने कहा ना कि संग्राहक नलिका भी नलिकीय स्त्रवण में भाग लेती है, तो ये पीएच नियमन के लिए एच प्लस आयन व के प्लस आयनों के चयनात्मक स्त्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने भी क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कुल मिलाकर जो है वो निस्यंद के अंदर एच प्लस आयन और के प्लस आयन और अमोनिया वगैरह जो है वो डाले जाते हैं। क्लियर, कहां से लेकर, ब्लड से लेकर फिल्ट्रेट में डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये पीसीटी डीसीटी और संग्राहक नलिका भी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जो नलिकीय स्त्रावण है उसका सबसे बड़ा जो मूत्र निर्माण में योगदान है वो देखा गया है कुछ मैराइन फिशेस के अंदर और डेजर्ट एम्फीबियंस के अंदर। ठीक है, ट्यूबलेट सिक्रीशन इज द ओनली मेथड ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिजम्स हैविंग ए ग्लोमेरुलर किडनी। मतलब ए ग्लोमेरुलर किडनी क्या होता है, कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि कुछ मैराइन टीलियोस्ट मछलियां और डेजर्ट्स के अंदर मिलने वाले एम्फीबियन, इनके अंदर जो किडनी है उसके अंदर ग्लोमेरुलस ही नहीं है, एक ग्लोमेरुलर किडनी है। तो क्या ऊपर से छनने की क्रियाविधि हो पाएगी क्या इनके अंदर, तो इनसे तो सब्सटेंसेस छन के आ ही नहीं पाएंगे। हमारे अंदर तो क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बहुत बढ़िया क्रियाविधि पाई जा रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, तो ऊपर से मेजॉरिटी के अंदर जो सब्सटेंसेस है वो ऊपर से छनकर कहां पर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। लेकिन इमेजिन करो कि ये कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर एक ग्लोमेरुलर किडनी है, मतलब किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस ही नहीं है, तो इनके अंदर तो वो जो छनन की क्रिया है वो तो हो ही नहीं पाएगी। तो फिर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जो है वो किसके द्वारा होगी, ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा होगी। मतलब इनके अंदर उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए ब्लड से सब्सटेंसेस को लेकर और जो नेफ्रॉन्स की जो सेल्स होगी वो किसके अंदर डाल देगी, डेट इज फिल्ट्रेट के अंदर डाल देगी, और फिर फिल्ट्रेट जो है वो वहां से फाइनल यूरिन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारे अंदर तो ट्यूबुलर सिक्रीशन का मैमल्स के अंदर तो रोल है ही, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स में तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो इस ट्यूबुलर सिक्रीशन के बिना हो ही नहीं सकता है। तो ये था पूरा के पूरा, हमने डिटेल में पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर या मैमल्स के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने तीन स्टेप्स पढ़ी, सबसे पहली जो स्टेप थी वो था डेट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरी जो स्टेप थी वो चयनात्मक पुनः अवशोषण, और तीसरी जो स्टेप थी वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। बहुत बार मैंने ये अनुभव किया है कि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, मैंने कोशिश की काफ़ी कुछ चीज़ों को समअप करने की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको खूब सारा शेयर करो, ताकि जो लोग बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक्स अ लॉट, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।